हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान का ई केवाईसी का। दोस्तों, यहां पर न्यू अपडेट निकल कर आ रही है कि जहां से आप पीएम किसान ई केवाईसी करते थे, चाहे दोस्तों आईडी सर्विस से करें या ओटीपी के माध्यम से, तो सबको एक ही चीज लिख रहा है, ऑल सीएससी सेंटर शुड अपग्रेड योर आईडी सर्विस टू द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लियर गेज। इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, सारा स्टेप बाई स्टेप आपको क्लियर बताने वाला हूं। देखिये, यहां पर जिस तरीके से यहां पर खुला गया है, जैसे ही अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालकर कैप्चा को डालकर ओटीपी क्लिक करें, तो ये बात जरूर लिख रहा है, ऑल सीएससी सेंटर शुड अपग्रेड योर आरडी सर्विस टू द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लियर गेज। इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि आरडी सर्विस को, यानी कि जो भी हमारा मोर्फो डिवाइस है, मंत्रा डिवाइस है, उसको करना क्या है, तो सारी जानकारी यहां पर वीडियो को देखकर आप लोग समझ लीजिए, तब जाकर इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। बस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, इन तक जुड़ने के लिए यहां पर धन्यवाद। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले यहां पर गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com। मैं यहाँ पर टाइप करूँ, जो पहला वाला वेबसाइट शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन सबमिट ए कंप्लीट सॉल्यूशन इस ऑनलाइन सर्विस। देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट पर हम आ गए, इस वेबसाइट को आप विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट से हर एक तरह के न्यू अपडेट सबसे पहले आपको दी जाती है। देखिए, जैसे कि आपके रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, लेटेस्ट जॉब हो, तो आप इस वेबसाइट पर आना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको बात बताऊं कि यहाँ पर मैं किसान लिख देता हूँ एक बार, चलिए मैं उस साइट पर चलता हूँ, यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर किसान कार्ड भी बना सकते हैं, इस पर हम क्लिक देंगे, किसी से भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, कोई भी किसान पे चले जाएंगे, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का एक ऑप्शन है, ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चले जाएंगे। देखिए, डीबीटी एग्रीकल्चर का यहाँ पर मेन वेबसाइट, यहाँ पर प्रोसेस टू होम पेज आ रहा है, इसका यहाँ पर खुलकर आ चुका है होम पेज। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही खुलकर आया, तो हमको अब क्या करना है यहाँ से, ये तो दोस्तों यहाँ पर जो डीबीटी एग्रीकल्चर का ये मेन वेबसाइट हुआ, लेकिन पीएम किसान का जो मेन वेबसाइट होता है वो आपको जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके सब अच्छे से बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, किसान कार्ड प्रिंट कैसे निकाले, यहाँ पर पीएम किसान ई निवासी, ई केवाईसी कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर विधायक, यहाँ से क्लिक कर देंगे, पीएम किसान ऑल न्यू अपडेट ई केवाईसी वाले में चले जाएंगे। कोई भी वेबसाइट से जा सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन है, फिर से हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए, अब जाके खुला pmkisan.gov.in। अब देखिए, हमको क्या करना है, सीएससी से लॉगिन कर लेते हैं, अगर जिनका सीएससी लॉगिन नहीं है तो डायरेक्टली ईकेवाईसी पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सीएससी लॉगिन पहले कर लेता हूँ, क्योंकि अपना सीएससी में अटैच कर लेता हूँ, जो भी अपना डिजिटल सेवा है इसको एक बार डालकर मैं अपना क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हमने यहाँ पर सीएससी को पूरी तरीके से कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरा सीएससी डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। मैं इसको कट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, लॉगिन, सीएससी लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ऑलरेडी यहाँ पर सीएससी कनेक्ट हो चुका है। अब बायोमेट्रिक आधार अटिंग, यहाँ से आपको ई केवाईसी करना है पीएम किसान का। अब देखिए, जैसे ही आ रहे हैं इस साइट पर, यहाँ पर दे रहा है ऑल सीएससी सेंटर शुड अपग्रेड योर आरडी सर्विस टू द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लियर गेज। इसका मतलब है दोस्तों कि जो भी आपने जो भी अपना जो मोर्फो डिवाइस हो, मंत्रा डिवाइस हो, आप उसको कनेक्ट करके आप अपना ई केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर चले जाइएगा कंट्रोल पैनल में, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल अपने कंप्यूटर के कंट्रोल जहां से इंस्टॉल प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले आप जाइएगा यहां पर देख लीजिएगा, जहां पर आपका आईडी सर्विस है, चाहे मंत्रा हो चाहे जो भी हो मोर्फो हो, उसको सबसे पहले आप यहां पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिए, और जाके सी ड्राइव से पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए, जो भी आपका सी ड्राइव में हो, यहाँ पर देख सकते हैं मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, सी ड्राइव में पूरी तरीके से जो भी मोर्फो है यहाँ पर पूरी तरीके से इसको डिलीट कर देना है, जो भी मोर्फो यहाँ पर सर्विस है सारा चीज को यहाँ पर डिलीट कर देना है, जितने भी यहाँ पर ड्राइवर है सारा चीज को हम एक बार डिलीट कर देंगे। तो पूरी तरीके से डिलीट करने के बाद अब आपको बताते हैं कि जो मोर्फो डिवाइस है, मैंने तो पूरी तरीके से यहां पर डिलीट कर दिया, सारा चीज डिलीट कर दिया, अब उसको क्या करना है, गूगल से डाउनलोड करना है दोस्तों पूरी तरीके से, मोर्फो हो या मंत्रा हो, तो जैसे मैं मंत्रा यूज करता हूं, तो मंत्रा आईडी सर्विस यहां पर डाउनलोड, देखिए दोस्तों यहां पर पीसी यहां पर डाउनलोड कर देंगे, जो यहां पर कोई भी वेबसाइट से जाकर आप अपना क्या करेंगे पूरी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहां पर ड्राइवर एंड डॉक्यूमेंट डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, जो कैप्चा कोड दिखा रहा है इस कैप्चा को हम फिलअप कर लेते हैं,
मैं डाल लिया हूं और डायरेक्टली क्या करेंगे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहां पर हमको डाउनलोड का यूजर मैनुअल आईडी सर्विस सारा चीज यहां पर दे दिया 1.0, तो यहां से आप लोग जाकर यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं आधार अटेंडेंट एपीआई 2.5 ईकेवाईसी एपीआई कंप्लीट आल्सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल ड्राइवर सेटअप। पूरी तरीके से यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन है, पूरी तरीके से यहां पर मंत्रा डिवाइस का पूरी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर से इसको इंस्टॉल करना है। देखिए यहां पर भी एक बनाया गया है लास्ट अपलोडेड 29 अप्रैल 2022 और यहां से पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन है। जब आप यहां से पूरी तरीके से डाउनलोड करके यहां पर कनेक्ट कीजिएगा आईडी सर्विस को, देखिए हर एक अलग अलग यहां पर है, जो भी है यहां पर एंड्रॉइड के लिए है, विंडोज के लिए है, ये दोस्तों यहां पर विंडोज के लिए है, ये भी विंडोज के लिए है। तो यहां पर देखकर अपना डाउनलोड करके अपना क्या करेंगे पूरी तरीके से इंस्टॉल कर लीजिएगा, आईडी सर्विस एक्टिवेट कर दीजिएगा, तब आपको चलेगा। और एक यहां पर कनेक्ट कर लीजिएगा सर्विस, सर्विस में चला जाइएगा, जैसे कि मैं सर्विस टाइप किया हूं, देखिए आपको बता देता हूं सर्विस में यहां पर जो भी है आईडी सर्विस, आईडी सर्विस जो भी है, तो यहाँ पर स्टार्ट का बॉसम आएगा, जैसे कि जो भी होगा आपका, जैसे कि मेरा मोरगो आईडी आईडी सर्विस है, ये दोस्तों यहाँ पर बंद बता रहा है, तो इसको एक बार स्टार्ट पर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। और जो भी आपका जो फिंगरप्रिंट का मोर्फो डिवाइस है, मंत्रा डिवाइस है, जो भी है, आप यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिएगा सर्विस में जाकर। ये दोस्तों कहाँ मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा जो भी आपका सर्च करने का आइटम होता है सर्विस, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, पॉज करने का भी रोकने का भी ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद करते हैं इस तरीके से कर लीजिएगा और फिर से यहाँ पर ईकेवाईसी पर चले जाइएगा, वहां से आपका 100% वो नहीं दिखाएगा जो आपका दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।